हाल ही में देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक इंडिगो ने दुनिया की सबसे बड़ी डील की है दोस्तों, जहां उसने एयरबस को 500 A320 विमानों का रिकॉर्ड ऑर्डर दिया है और इसी डील की कीमत तकरीबन 50 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। जी हां, और इस डील ने एयर इंडिया की मार्च में की गई डील का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक दुनिया की सबसे बड़ी डील का रिकॉर्ड एयर इंडिया के नाम था, लेकिन दोस्तों अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर अचानक से इंडिगो को इतने सारे विमानों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या एयरबस इस डील को पूरा कर पाएगा और इस डील से इंडिगो और इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? चलिए जानते हैं आज इन सभी सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा विमानों को ऑर्डर दिया है और आपको बता दें कि विमानों की खरीदारी की यह बोली एयरबस ने जीती है। इस तरह इंडिगो एयरबस से 500 विमान खरीदेगा। आपको बता दें कि इस अग्रीमेंट को पेरिस एयर शो 2023 में आखिरी रूप दिया गया था, जिसमें इंडिगो और एयरबस के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। दरअसल इंडिगो अपने आप को और भी ज्यादा मजबूती से एस्टैब्लिश करना चाहती है, जी हां, और साथ ही अपनी कंपनी का एक्सपेंशन भी करना चाहती है, और यही वजह है कि इंडिगो ने एयरबस को इतना बड़ा ऑर्डर दिया है। इंडिगो की इस डील के बाद एयर इंडिया के टाटा ग्रुप को काफी अच्छा और मजबूत कॉम्पिटिशन मिलेगा। आपको बता दें कि एयरलाइन को इन विमानों की डिलीवरी साल 2030 से 2035 के बीच होगी। दोस्तों, खुद इंडिगो का ये कहना है कि 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर न सिर्फ इंडिगो का सबसे बड़ा ऑर्डर है, बल्कि एयरबस से किसी एयरलाइन द्वारा खरीदा गया सिंगल एयरक्राफ्ट का भी सबसे बड़ा ऑर्डर है। वहीं दोस्तों, अगर इस ऑर्डर की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत करीब 50 अरब डॉलर से भी ज्यादा की है। हालांकि इस ऑर्डर पर इंडिगो को अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको बता दें कि इंडिगो के इस ऑर्डर ने मार्च में एयर इंडिया के द्वारा करी गई डील का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। मार्च महीने में एयर इंडिया ने 470 विमानों को ऑर्डर दिया था, जिसे उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ी डील के तौर पर देखा जा रहा था। वहीं दोस्तों, अगर आप एयर इंडिया की मार्च में हुई डील के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमारा एयर इंडिया के डील का ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। आपको बता दें कि पहले से ही इंडिगो का भारतीय मार्केट में काफी दबदबा है। भारतीय विमानन बाजार यानी कि इंडिया एविएशन मार्केट में इंडिगो की 57.5% घरेलू बाजार हिस्सेदारी है। ऐसे में इस ऑर्डर से मार्केट में इंडिगो का कद और बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि इस समय इंडिगो के पास 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं और इंडिगो के पास पहले से ही 480 विमानों के लिए पेंडिंग ऑर्डर हैं, जो कि उसे इस दशक के आखिर तक मिल जाएंगे। वहीं इस नए ऑर्डर के साथ इंडिगो की ऑर्डर बुक में लगभग 1000 एयरक्राफ्ट हो गए हैं, जो कि सभी इस दशक के आखिर तक मिलने की इसे उम्मीद है। आपको बता दें कि ऑर्डर किए विमानों में A320neo, A321neo, A320XLR जैसे विमान शामिल हैं। बता दें कि इंडिगो ने साल 2006 में स्थापना के बाद अब तक कुल 1330 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं। वहीं एयर इंडिया ने दोस्तों कुछ महीने पहले जो ऑर्डर दिया था उसमें कई देश शामिल थे, लेकिन अचानक से हुई इंडिगो की इस डील ने सभी को चौंका दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इंडिगो के लिए क्यों जरूरी थी ये डील। दोस्तों, अगर हम इंडिगो की तरफ से देखें तो ये वास्तव में इंडिगो काफी दूर तक सोच रही है। मौजूदा समय में इंडिगो के पास 300 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 100 एयरक्राफ्ट का रिटायरमेंट साल 2023 में होने जा रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त के लिए उसे और एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर एयरलाइन ये भी चाहती है कि साल 2030 तक उसके पास 700 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो लगातार उड़ान भर सके। इसके साथ ही कंपनी ये भी चाहती है कि मौजूदा समय में भारत में उनका जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ बरकरार ही ना रहे बल्कि उसमें इजाफा भी हो। ऐसे में अगले साल यानी कि 2024 तक कंपनी अपने बेड़े में 50 एयरक्राफ्ट शामिल करने जा रही है। वहीं दूसरी ओर कंपनी नहीं चाहती है कि सप्लाई चेन में किसी तरह की कोई दिक्कत आए और समय समय पर उसके बेड़े में नए विमान जुड़ते चले जाएं। इसकी वजह से उसके पहले के ऑर्डर से अलग उसने 500 विमानों का ऑर्डर और दिया, ताकि एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी पर भी थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो। इसके साथ ही बड़े ऑर्डर के बड़े फायदे ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि कंपनी को इकोनॉमिक रूप से भी फायदा होता है। वास्तव में छोटे ऑर्डर में एक डिस्काउंट की गुंजाइश कम या ना के बराबर होती ही है, लेकिन बड़े ऑर्डर में डिस्काउंट भी बड़ा होता है। इंडिगो एयरबस डील के साथ भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है। भले इस डील को 50 बिलियन डॉलर की बताई जा रही है, लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस करीब 35 से 45% कम हो सकता है। वही एक और एस्पेक्ट अगर देखेंगे तो मौजूदा समय में इंडिगो एयरलाइंस ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 86 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स को हवाई सफर कराया था। मार्च 2024 के एंड तक यह 100 मिलियन तक पहुंच सकता है। ऐसे में अगर एयरक्राफ्ट कम होंगे तो उसकी मार्केट शेयरिंग में भी गिरावट देखने को मिल सकती है और उसे आने वाले दिनों में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब साल 2021 में इंडिगो दुनिया की तीसरी सबसे पंक्चुअल एयरलाइन में से एक रही है। ऐसे में दुनिया में वो अपनी इस छवि को बरकरार रखना चाहती है। यही वो वजह है कि वो अपने बेड़े में इजाफा करने में जुटी हुई है। दोस्तों, इन सभी के साथ आपको बता दें कि एयरलाइन अपने आप को और डेवलप करने में भी जुटी हुई है। दरअसल एयरलाइन वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की एक अलग डील पर काम कर रही है, जिसमें 25 विमानों को एयरबस और बोइंग कंपनी दोनों से खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही तुर्की एयरलाइंस के साथ एक कोड शेयर सिस्टम के थ्रू इंडिगो 33 यूरोपीय डेस्टिनेशंस को कनेक्टिविटी दे रहा है, जिसमें
बुल्गारिया, स्पेन, नीदरलैंड, ग्रीस, बेल्जियम, हंगरी, डेनमार्क, आयरलैंड, गणराज्य, यूके, माल्टा, फ्रांस, चेक जैसे देश शामिल हैं। उसके साथ ही इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इटली, पुर्तगाल और एडिनबर्ग भी जिन देशों में शामिल है। इंडिगो ने अप्रैल 2023 में भारतीय एयरलाइनों के बीच अपने इंटरनेशनल पैसेंजर्स मार्केट शेयर को अप्रैल 2022 से 31% से बढ़ाकर 37% कर दिया है। इसके साथ ही इंडिगो से जून 2023 और सितंबर 2023 के बीच 174 नई वीकली इंटरनेशनल फ्लाइट्स जुड़ने की उम्मीद है, जिसमें नए डेस्टिनेशन, रूट और फ्रीक्वेंसी शामिल होंगे। ऐसे में इंडिगो लगातार अपने ऊपर काम कर रही है दोस्तों, और ये वजह है कि इंडिगो के लिए डील काफी खास हो जाती है। वही दोस्तों, अगर हम भारत के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी ये डील बहुत जरूरी थी, और आगे आने वाले समय में इस डील से भारत को भी काफी फायदा होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत के लिए क्यों जरूरी हो गई थी यह डील। दोस्तों, भले ही एयर इंडिया ने मार्च के महीने में 470 विमानों की डील की थी, लेकिन वो डील इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए आने वाले दिनों में कम साबित होती। जी हां, उसका एक कारण यह है कि भारत का एविएशन सेक्टर का मार्केट इन दिनों तेजी के साथ बढ़ रहा है। बीते कुछ महीने में देश में हवाई पैसेंजर्स की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। मई के महीने में एयर पैसेंजर ट्रैफिक में हर साल के आधार पर 15% का इजाफा देखने को मिला है, और पैसेंजर्स ट्रैफिक की संख्या 132.67 लाख पहुंच चुकी है, जो कि एक साल पहले तक यह संख्या 114.67 लाख ही थी। आपको बता दें कि पिछले कई सालों में भारत में एयर पैसेंजर्स की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जहां साल 2014 में देश में कुल हवाई यात्रियों की संख्या 6.73 करोड़ थी, वहीं 2020 में सालाना यात्रियों की संख्या बढ़कर 12.23 करोड़ पर पहुंच गई है। जी हाँ, इसके साथ ही 2030 तक सालाना 85 करोड़ हवाई यात्रियों का आंकड़ा पहुंचने का अनुमान है। भारत में 131 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैं दोस्तों, और सरकार कनेक्टिविटी को बूस्ट देने के लिए इसे बढ़ाने का प्लान बना रही है। लगातार भारत का एविएशन सेक्टर ग्रो कर रहा है। पीएम मोदी साल 2014 में जब सत्ता में आए थे, तब देश में कुल 70 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे। वहीं 2022 में यह संख्या बढ़कर 137 पर पहुंच गई है। माना जा रहा है कि साल 2030 तक यह संख्या लगभग 220 तक पहुंच जाएगी, और इन विमानों के खरीदे जाने से डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर में नई क्रांति आएगी। वहीं दूसरी ओर देश में मई के महीने में गो फर्स्ट के फेल होने की परिस्थितियां दिखी, जिसकी वजह से देश में सप्लाई के मुकाबले डिमांड में इजाफा हो गया और एयरलाइंस को अपने किराए में इजाफा करना पड़ा। 7% मार्केट शेयरिंग वाली इस एयरलाइन के रूटों को भरने के लिए एयरक्राफ्ट कम पड़ गए। देश में एयर इंडिया, स्पाइस जेट, एयर एशिया, विस्तारा, अकासा जैसी तमाम एयरलाइंस होने के बाद भी सेक्टर को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में इंडिगो की ये डील भारत के लिए काफी अहम हो गई थी। ऐसे में इस डील से न सिर्फ इंडिगो को फायदा होगा, बल्कि इंडिया के एविएशन सेक्टर में भी मजबूती आएगी, क्योंकि आने वाले वक्त में एयर इंडिया और इंडिगो दोनों ही कंपनी के ऑर्डर डिलीवर हो जाएंगे, जिससे भारत के मार्केट को मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि क्या इंडिगो का ये ऑर्डर एयरबस जल्द से जल्द पूरा कर पाएगा, जिससे देश की दो बड़ी एयरलाइंस इंडिगो और एयर इंडिया में कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा? क्या उसके पैसेंजर्स को कोई फायदा होगा? इन सवालों के जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।